इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप Realme मोबाइल का फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि कैसे बदल सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको चले जाना है अपने Realme मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अब आपको यहाँ फॉन्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पर कई जो है फ्री फॉन्ट्स आ जाएंगे। और दोस्तों अगर आप और भी फॉन्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ इस वाले आइकन पर क्लिक करिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपके सामने बहुत से फॉन्ट आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये सारे फॉन्ट जो है पेड फॉन्ट होंगे। तो दोस्तों इस फॉन्ट को यूज करने के लिए आपको जो है इसे सबसे पहले बाय करना पड़ेगा। तो अगर आप जो है बाय करके फॉन्ट को यूज करना चाहते हैं तो बाय करने के लिए आप यहाँ बाय पर क्लिक करिए। उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो अपने UPI ID से यहाँ पर पैसे को ट्रांसफर करके इस फॉन्ट को आप जो है खरीद सकते हैं और उसके बाद इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको जो है फ्री वाला है फॉन्ट यूज करना है तो उसके लिए ऊपर आपको यहां पर जो है 4-5 फॉन्ट मिल जाएंगे, 6 फॉन्ट मिल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना होगा कि आपको जिस भी फॉन्ट को यूज करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको उस फॉन्ट के नीचे अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अब आपको यहां अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे कि देखिए मैं यहां अप्लाई पर क्लिक कर देता हूं, और दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि यह फॉन्ट जो है अप्लाई हो चुका है। और दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूं हमारे Realme मोबाइल फोन का फॉन्ट चेंज हो गया होगा। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे Realme मोबाइल फोन का फॉन्ट यहां पर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने Realme मोबाइल फोन का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।